जंगल। प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल कैंपस में आए दिन फेंकी जाती है शराब की बोतलें। प्रयागराज से खबर आपको बता दें, जी हां आपको बताते चले, प्रयाग केसरी हिंदी दैनिक संवाददाता गगन कुमार की गाड़ी अचानक इलाहाबाद गर्ल्स हॉस्टल के समीप पंक्चर हो गई, तो वो रुककर बगल स्थित दुकान पर पंचर बनवा रहे थे कि तभी अचानक दो शराब की बोतल उनके बगल में आकर गिरी एवं उनके सिर पर आके लगी। वहां पर मौजूद लोगों द्वारा बताया गया कि आए दिन शराब की बोतलें फेंकी जाती हैं। गर्ल्स हॉस्टल कैंपस में मौजूद गार्ड द्वारा बताया गया कि अंदर मिस और अन्य स्टाफ के लोग रहते हैं। पत्रकार गगन कुमार बिंद द्वारा इसकी सूचना विश्वविद्यालय पुलिस चौकी प्रभारी को दे दी गई है। जाँच जारी है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए प्रयागराज से सुमित कुमार द्विवेदी की खास रिपोर्ट। मैं गगन कुमार यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला लड़का हूँ, प्लस साथ में पत्रकार खुद हूँ, स्वयं रिपोर्टर हूँ प्रयाग केसरी से। यहाँ वुमेन्स हॉस्टल से बॉटल मेरे सिर पे गिरी है। यहाँ के गार्ड सुपरवाइजर जितने हैं कोई ने इंक्वायरी सही से नहीं की है। सब बता रहे हैं गिर गई बेटा, नहीं है कैमरा। अगर सारे अंदर कैमरे नहीं हैं या फिर हैं होते हुए कैमरा, ये बता नहीं रहे, इसका प्रूफ हमको चाहिए। वुमेन्स हॉस्टल से सुपरवाइजर ने ऐसी बात बताई है कि मिस और जो भी बगल में टीचर्स का गार्ड सब कुछ सर्विस है, हमको वहाँ से इंक्वायरी चाहिए। ये मेरे सिर पे आके गिरी है, यहाँ से कोई इंक्वायरी नहीं दे रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, सिर्फ इतनी बात बताएं कि वहाँ पे क्या बगल में है एरिया। धन्यवाद।